माइनक्राफ्ट की दुनिया के बीच एक ऐसा नाम जुड़ चुका है जिसके सामने लोग लड़ने की तो बात छोड़ो, उसका नाम सुनकर ही कई लोगों की तो रूह कांप जाती है। और उस चीज़ का नाम है वार्डन। वार्डन एग्जैक्टली 1.17 के अपडेट में ऐड होने वाला था, लेकिन इश्यूज के कारण उनको मतलब से लॉन्च किया गया, लेकिन ऑफिशियली 1.19 के अपडेट में वो पॉकेट एडिशन से लेके बेडरॉक एडिशन में सब जगह पर आ चुका है। वार्डन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर तुम फुल नेटराइट आर्मर के साथ फिट थ्रॉन्स की इनफाइनाइट स्ट्रेंथ लेकर भी जाओगे तो फिर भी वो तुम्हें सिर्फ 2 से 3 फटके में ही मार देगा। उसके पास इतनी ताकत है। वो अंधा है इसीलिए उसके पास कुछ ऐसे डिवाइसेस है कि अगर आप चलोगे भी तब भी उसकी आपके चलने की आवाज़ से ही वो ज़मीन फाड़ के बाहर आ जाएगा और आपको मार देगा। तो एग्जैक्टली वार्डन है क्या? वार्डन आपको सबको लग रहा होगा कि 1.19 के अपडेट में आया हुआ वार्डन एक क्रीचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1.19 में आया हुआ वार्डन 1.20 के आने वाले अपडेट का एक छोटा सा हिस्सा है। 1.20 में जो अपडेट आने वाला है उसका वार्डन एक छोटा सा हिस्सा है, जिसका प्रूफ आपको वार्डन की एशियन सिटी में लगे हुए पोर्टल से मिल सकता है। एशियन सिटी में एक बहुत बड़ा पोर्टल है और उस पोर्टल को मतलब तुम इग्नाइट नहीं कर सकते, वो पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ होगा। लेकिन 1.20 के अपडेट में ऑफिशियली ये पोर्टल इसी थर्ड डायमेंशन में हमको लेके जाने वाला है। वार्डन का मतलब होता है चौकीदार, यानी कि एक अलग डायमेंशन का राजा हमारी जो ओवरवर्ल्ड है हमारे वर्ल्ड में आया। इसके मैं स्टोरी बताता हूँ। जो मेन राजा है वार्डन का भी राजा, वार्डन एक चौकीदार है, वो राजा नहीं है, वार्डन एक चौकीदार है, पावरफुल चौकीदार, यानी कि एक सैनिक समझ लो। वार्डन एक सैनिक है, अंधा सैनिक, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो 2 से 3 फटके में किसी को भी धीर कर सकता है। तो वार्डन का जो राजा है वो एक अलग डायमेंशन में रहता है। जो पोर्टल है उसकी, वो पोर्टल हमको अलग डायमेंशन में अपने माइनक्राफ्ट की थर्ड डायमेंशन में लेके जाएगी, जो माइनक्राफ्ट की आज तक की सबसे ख़तरनाक डायमेंशन होगी। जैसे नीदर में बहुत सारे पिगलिंस, वाटर, लावा ये सब देखने को मिलता है, थर्ड डायमेंशन में वार्डन के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वार्डन ही वार्डन और उन सब वार्डन का एक राजा होगा। उस राजा को हराने के बाद तुम ये कह सकते हो कि तुमने माइनक्राफ्ट को बीट किया है। ठीक है, वार्डन के राजा और वार्डन के बारे में और उस पोर्टल के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो पोर्टल को इसीलिए बनाया है ताकि जो वार्डन का जो राजा है वो राजा उसकी डायमेंशन से हमारी दुनिया में आ जा सके, इसीलिए उसने वो पोर्टल बनाया है। और उस पोर्टल की रक्षा करने के लिए ताकि कोई और माइनक्राफ्ट का प्लेयर उसके वर्ल्ड में ना आ सके, इसीलिए उसने एक चौकीदार को रखा है ताकि कोई उसकी दुनिया में ना आ जा सके। इसीलिए उसने एक चौकीदार रखा, उस चौकीदार का नाम है वार्डन। वार्डन इतना ताकतवर है, मैंने अभी बताया आपको 3-4 बार बता दिया कि वो 2 से 3 फटके में फुल नेदराइट आर्मर वाले बंदे को मार सकता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है, मतलब एक ही कमजोरी है उसकी, वो है वाटर। वार्डन को पानी के आर पार, मतलब पानी के आगे नहीं जा सकता। तुम अगर चाहो तो वार्डन को एक पानी के ट्रैप में ट्रैप्ड करके उसको आराम से मार सकते हो, लेकिन फिर भी अगर तुमने उसको ट्रैप कर दिया फिर भी तुम उसको बो से ही मार सकते हो, क्योंकि अगर तुम तलवार से मारने जाओगे तो फिर वही सीन हो जाएगा, वो तुम्हें 2 से 3 फटके मार देगा। तो हम बात करते हैं मेन चीज़ की, वार्डन के राजा, वार्डन का बाप, वार्डन को जिसने चौकी करने के लिए रखा है वो राजा, मेन राजा, जो 1.20 में आने वाला मेजर यानी कि मेन अपडेट होने वाला है 1.20 का। और माइनक्राफ्ट 1.20 के अपडेट में बहुत ब्रूटल चीज़ लाने वाले है, तुम लिख के ले लो, मैं ये कह रहा हूँ। 1.20 के अपडेट में हम वो जो एशियन सिटी का जो पोर्टल है उसको हम चालू कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे, उसके बाद हम जा सकेंगे वार्डन की दुनिया में, यानी कि उसके वार्डन की जो दुनिया है, वार्डन जहाँ से आया है वहाँ पर जा सकेंगे और वहाँ का जो राजा होगा उसके साथ हमको फाइट करनी होगी। उसके राजा के साथ अगर फाइट करते वक्त हम जीत गए तभी तुम कहला पाओगे कि तुमने माइनक्राफ्ट को बीट किया।
अभी हम क्या कहते हैं, एंडर ड्रैगन को हरा दिया यानी कि माइनक्राफ्ट को बीट कर दिया, लेकिन नहीं, 1.20 का अपडेट अच्छे ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है, अच्छे ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। वो तुम सोच लो, वार्डन इतना ताकतवर है, वार्डन मतलब इतना ताकतवर है, एक चौकीदार, एक सैनिक छोटा सा इतना ताकतवर है, तो तुम सोच सकते हो उसका राजा जिसने उसे बनाया है वो कितना ताकतवर होगा। मतलब बहुत मज़े आने वाले हैं 1.20 के अपडेट में। 10 लोग मिलकर भी वार्डन का जो राजा है उसको मार नहीं पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तुम उसको ट्रैप नहीं कर पाओगे, तुम उसको मार ही नहीं पाओगे, क्योंकि वार्डन को इतना ज़्यादा पावरफुल बता दिया है, तो उसके राजा को क्या क्या कितनी हद तक बताएंगे तुम सोच सकते हो। तो वार्डन का जो अभी हम देख सकते हैं, वार्डन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, और अनाउंस किया वार्डन को गेम में ऐड भी कर लिया है, लेकिन 1.20 में आने वाले अपडेट का वार्डन एक छोटा सा हिस्सा होने वाला है, और उस हिस्से का जो मेन 1.20 का मेन जो हिस्सा होगा वार्डन का राजा, उसकी मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है, और ब्रूटल के साथ साथ वो सब बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाला है, उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। और इसीलिए माइनक्राफ्ट कब से तैयारी कर रहा है वार्डन की, सिर्फ वार्डन की तैयारी करने में इतनी ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो तुम सोच सकते हो कि 1.20 में आने वाला वार्डन का बाप, उसका जब वो आएगा मैदान में, तब गेमिंग इंडस्ट्री में क्या हाल होने वाला है, माइनक्राफ्ट का क्या हाल होने वाला है, माइनक्राफ्ट के प्लेयर का क्या हाल होने वाला है, ये तुम सोच सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं माइनक्राफ्ट के जो वार्डन का जो राजा है, जो 1.20 में आने वाला जो मेन राजा है वार्डन का, थर्ड डायमेंशन का राजा, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसकी ताकतों पर, उसकी कैसे कैसे पास, उसके पास कैसे कैसे ताकत है, उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वार्डन के राजा की ताकतों के बारे में, मतलब वार्डन का राजा जो है वो क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, और अगर उसको हराना है तो हम कैसे हरा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि 1.20 के अपडेट में आने वाले राजा को, मतलब थर्ड डायमेंशन के राजा को हम कैसे हरा सकते हैं, और थर्ड डायमेंशन के राजा के पास कौन सी ताकत होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा और आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसके बाजू में बटन है लाइक का, तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।